पिछले 10 साल में बहुत कुछ बदला है। जहां पहले ग्लोबल मैटर्स में यूएसए, चाइना और रशिया, इन तीन देशों को ही ग्लोबल पावर माना जाता था और इंडिया के बड़े साइज और पॉपुलेशन के बावजूद भी इंडिया को एक कमजोर देश समझते हुए इग्नोर कर दिया जाता था। वेस्ट के डिप्लोमैट्स तो ओपनली इंडिया और इंडियन नीतियों को ह्यूमिलिएट करते थे। वहीं आज इंडिया एक ग्लोबल पावर के तौर पर उभर कर आ रहा है। इंडिया हर ग्लोबल मुद्दे पर अपना स्टैंड रखता है और इतनी मजबूती से रखता है कि दूसरी बड़ी पावर्स अब चाहकर भी इंडिया के स्टैंड को दबा नहीं पाते। अब जियोपॉलिटिक्स में भी इंडिया और इंडिया के स्टैंड काफी मैटर करते हैं और दूसरे बड़े देश इंडिया से अच्छे स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बनाने की ताक में रहते हैं। ये बदलाव काफी हद तक आया है इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के कारण, जिसकी कमान 2019 में डॉक्टर एस जयशंकर को सौंपी गई थी, जो बहुत ही डिप्लोमेटिकली देश का स्टैंड हर ग्लोबल स्टेज पर इस तरह रखते हैं कि अब इंडिया का ग्लोबल परसेप्शन एक स्ट्रॉन्ग देश के रूप में होना शुरू हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर की तारीफ हर देश के मिनिस्टर्स करते हुए अक्सर पाए जाते हैं। ये सब तो ठीक है, पर अचंभे की बात तो ये है कि पाकिस्तान, जिसका इंडिया से 36 का आंकड़ा है, उसके भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बड़ी रैली में ओपनली एस जयशंकर की तारीफ करते हुए पाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी सज्जन डॉक्टर एस जयशंकर की ग्लोरियस लाइफ स्टोरी को जानेंगे और उनके पैनल इंटरव्यू से कुछ ज्यादा उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है कि हर भारतीय को जाननी चाहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत को आजाद हुए अभी 8 साल ही हुए थे, जब 1955 में दिल्ली की वेल एजुकेटेड हिंदू फैमिली में सुब्रमण्यम जयशंकर का जन्म हुआ। एस जयशंकर की तरह ही इनके पिता का कैरेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है। इनके पिता डॉक्टर कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं, साथ ही वो एक प्रोमिनेंट इंडियन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर रहे। उनका इंडियन सिक्योरिटी, कारगिल कमेटी और न्यूक्लियर पॉलिसी मेकिंग में बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था और इसीलिए उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। डॉक्टर एस जयशंकर की माँ का नाम सुलोचना जयशंकर है। उनके बड़े भाई सुब्रमण्यम विजय कुमार हिमाचल प्रदेश कैडर से एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं, साथ ही छोटे भाई डॉक्टर संजय सुब्रमण्यम एक फेमस हिस्टोरियन है। तो कहा जाए तो इनका पूरा परिवार ही किसी ना किसी तरीके से देश की सेवा में लगा हुआ है और इनके परिवार में एकोलेट्स की कोई कमी नहीं है। सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत एयरफोर्स स्कूल दिल्ली कैंट से की थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के ही सेंट स्टीफन कॉलेज से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करी। क्योंकि जयशंकर के पिता देश की सर्विस में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर काम करते थे, इसलिए जयशंकर का भी इंटरेस्ट इन फील्ड्स में बढ़ना स्वाभाविक था। वो कॉलेज में फॉर्मली तो केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे, पर अक्सर वो खुद को पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स कंज्यूम करते पाते थे। यही इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि अब ये एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गए। अभी इनके अर्ली 20s का समय था। परिवार वाले चाहते थे कि केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन के बाद जयशंकर केमिस्ट्री में ही पोस्ट ग्रेजुएशन भी करें और फिर इसी फील्ड में एक जॉब ले लें, लेकिन सुब्रमण्यम जयशंकर के मन का रुझान पॉलिटिकल साइंस की तरफ था। फैमिली प्रेशर में फिर भी जयशंकर ने मास्टर्स इन केमिस्ट्री में एडमिशन ले लिया, पर वो ज्यादा वक्त तक अपने मन की आवाज को दबा नहीं सके और अपने कॉन्फिडेंट स्टाइल में उन्होंने इस कोर्स को बीच में ही छोड़ दिया और मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लिया। इसकी पढ़ाई करने के लिए उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को चुना। इसी किस्से से रिलेटेड वो कहते हैं कि इंसान को अगर लाइफ में खुश रहना है तो उसे अपने पैशन को ही अपना करियर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और ऐसा ही उन्होंने भी किया। MA इन पॉलिटिकल साइंस करने के बाद उन्होंने MPhil और PhD करने का फैसला करा और उन्होंने PhD इन इंटरनेशनल रिलेशंस को चुना। इसे पूरा करने के बाद ही एस जयशंकर बने डॉक्टर एस जयशंकर और ये डॉक्टर टैग उनके नाम से जुड़ गया। जब से उन्होंने केमिस्ट्री से पॉलिटिकल साइंस की तरफ अपने करियर की दिशा को बदला, तब से ही उनकी जिंदगी में कई बदलाव आने शुरू हो गए। जहां वो पहले केमिस्ट्री की पढ़ाई बस करने के लिए कर रहे थे, वहीं पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में आने के बाद उनका इंटरेस्ट अपने काम और पढ़ाई की तरफ इतना बढ़ गया कि जो कोर्स महीनों में खत्म किया जाता था वो उसे हफ्तों में ही पढ़ लेते थे और हमेशा अपने कॉलेज में सबसे आगे रहते थे। कॉलेज के बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने तय करा कि वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम देंगे और इसी एग्जाम को क्रैक करने के बाद उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज यानी IFS को ज्वाइन करा। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था कि उन्होंने फॉरेन सर्विसेज को ही क्यों चुना, तो उन्होंने इसका बहुत ही कैंडिडली जवाब देते हुए कहा कि जब मैंने अपने जवानी के दिनों में अलग अलग कल्चर्स का म्यूजिक सुनना शुरू किया था, उनके कल्चर्स को जानना शुरू किया था, तभी से ही मेरा इंटरेस्ट दूसरे कल्चर्स और अपने कल्चर की इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ने लगा था। इसी वजह से मैं फॉरेन सर्विसेज में आया ताकि मैं दूसरे कल्चर से भी इंटरेक्ट कर सकूं। खैर, आगे बढ़ते हुए 1988 से 1990 में राजीव गांधी द्वारा श्रीलंका में भेजी गई पीस कीपिंग फोर्स के सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर इन्होंने काफी इंटेलिजेंटली काम किया। उनकी नेगोशिएशन स्किल्स के लिए उन्हें काफी हार्ड नेगोशिएटर माना जाता है, जो हर नेगोशिएशन में अपने मुद्दों पर अड़े रहते हैं, और उनकी इन्हीं स्किल्स की वजह से उन्होंने कई बार काफी सेंसिटिव इश्यूज को इजीली हैंडल कर लिया है। फिर 2004 में डॉक्टर एस जयशंकर एज अ जॉइंट सेक्रेटरी दिल्ली पहुंचते हैं।
जहां उन्होंने तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर यूएस न्यूक्लियर डील साइन करवाई थी। जिस समय यूएसए के प्रेसिडेंट किसी भी इंडियन डिप्लोमेट से बात तक नहीं करना चाहते थे, उस समय उनसे न्यूक्लियर डील जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर नेगोशिएट करना आसान काम तो नहीं रहा होगा, पर उनकी हार्ड नेगोशिएशन स्किल्स यहाँ बहुत ज्यादा काम आई और उन्होंने इस डील को अग्रीमेंट तक पहुंचाया, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। इसी बीच फिर उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ नजर डाली जाए तो आपको बता दूं कि डॉक्टर एस जयशंकर की पहली वाइफ मिसेस शोभा जयशंकर की अनफॉर्चुनेटली कैंसर की वजह से अनटाइमली डेथ हो गई थी, जिनसे उन्हें एक बेटा और एक बेटी भी है। और फिर जिंदगी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक जापानीज ओरिजिन की केयोको जयशंकर से दूसरी शादी की, जिनसे उन्हें बच्चे भी हुए। इसी तरह डॉक्टर एस जयशंकर एक इंटेलिजेंट डिप्लोमेट के साथ साथ एक अच्छे फैमिली मैन भी हैं। आइए इनकी करियर की तरफ वापस चलें तो इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2009 के दौरान आया था। दरअसल साल 2009 से 2013 तक पूरे 4 साल वो चाइना में इंडिया की एम्बेसी में एज एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया पोस्टेड थे। चाइना जैसी सेंसिटिव कंट्री में अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई इंडो चाइना इश्यूज को सुलझाया है। उनके ही कार्यकाल के दौरान चाइना लद्दाख रीजन से डेस्पांग वैली तक रोड बनाने वाला था, लेकिन वो डॉक्टर एस जयशंकर ही थे जिनकी डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स की वजह से चाइना ने अपने कदम पीछे लेकर रोड बनाने का काम रोक दिया। उनकी इस पोस्टिंग के बाद साल 2013 के लास्ट में ही उनकी पोस्टिंग यूएसए में इंडिया के एम्बेसडर के तौर पर हुई। इस दौरान उन्होंने ही तब के गुजरात के सीएम और आज के पीएम नरेंद्र मोदी की यूएस विजिट अरेंज कराई थी, जिसमें उन्होंने कई इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट से नरेंद्र मोदी की मुलाकात कराई। कहते हैं कि इसी मीटिंग के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर मोदी जी की नजरों में आ गए थे और नरेंद्र मोदी उनके काम करने के तरीके से काफी इंप्रेस हुए थे। इसके बाद साल 2014 में बीजेपी की सरकार आती है और एस जयशंकर को यूएसए से इंडिया वापस बुला लिया जाता है, और सरप्राइजिंगली उनकी रिटायरमेंट के सिर्फ 2 दिन पहले ही उन्हें 2 साल के लिए फॉरेन सेक्रेटरी की पोस्ट दे दी जाती है। 31 जनवरी 2015 को उनकी रिटायरमेंट डेट थी और 29 जनवरी 2015 को उन्हें 2 साल के लिए फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया था, और उनके इस कार्यकाल के खत्म होने के बाद भी उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। एक्सटेंशन की लिमिट खत्म होने के बाद साल 2018 में डॉक्टर एस जयशंकर एज अ डिप्लोमैट रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। उनके स्कूलिंग पीरियड में उन्हें टाटा ग्रुप का ग्लोबल कॉर्पोरेट ऑफिसर बनाया गया, लेकिन उनकी डिप्लोमैटिक स्किल्स और इंटेलिजेंस की असली जरूरत इंडियन पार्लियामेंट में ज्यादा थी, जहां वो और बड़े लेवल पर इंडिया की डेवलपमेंट के लिए काम कर पाए। फिर साल 2019 में जब फिर से बीजेपी की सरकार आई तो इस बार कैबिनेट ने उन्हें गुजरात की सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर सीधे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट कर दिया। बड़ी बात तो ये है कि अब तक कोई भी डिप्लोमेट डायरेक्टली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जैसी बड़ी पोजीशन पर नहीं बैठा था, और उनकी इस अपॉइंटमेंट से ऑपोजिशन के लीडर्स भी खुश थे, जो एस जयशंकर की काबिलियत दर्शाता है। उनके इन्हीं कामों को देखकर साल 2019 में उन्हें इंडिया का 4th highest सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से भी नवाजा गया। एस जयशंकर ने अपनी एक किताब भी लिखी, द इंडिया वे, जिसको 2020 में रिलीज किया गया। इसके तीसरे चैप्टर कृष्णास चॉइस द स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफ राइजिंग पावर में उन्होंने कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग कोट्स लिखे हैं। वो लिखते हैं कि अ नेशन दैट डज नॉट ऑनर इट्स पास्ट हैज नो फ्यूचर, and no matter how difficult the consequences are, we should not run away from our responsibility. ये बातें उनका भारत के इतिहास और भारत की सोच में विश्वास दिखाता है। इसके अलावा हाल ही में एस जयशंकर मीडिया में बढ़ चढ़ कर चर्चा का विषय बने हुए हैं, और इसकी वजह यह है कि यूक्रेन रशिया वॉर से जुड़े मुद्दों पर यूरोप और वेस्ट इंडिया पर प्रेशर बना रहे थे, तब डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत ही क्लियरली यूरोप की हिपोक्रेसी को पॉइंट आउट करते हुए इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट स्टैंड आगे रखा, जो कि कई दशकों में पहला इंस्टेंस रहा है जहां इंडिया ने वेस्ट से आंख मिलाते हुए अपना स्टैंड रखा है। डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि पुराना इंडिया बदल रहा है, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे इंडिया भी स्ट्रांग हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया अब म्यूचुअल रिस्पेक्ट डिमांड करता है। दुनिया के कई सूडो वोक इंटेलेक्चुअल्स को डॉक्टर एस जयशंकर और इंडिया की ये पोजिशनिंग रास नहीं आ रही है। लेकिन आपका एस जयशंकर और उनके काम के तरीके पर क्या ओपिनियन है हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम एक ऐसी वीडियो जे साई दीपक के बारे में भी प्लान कर रहे हैं, अगर आप उस वीडियो को जल्दी ही देखना चाहते हो तो हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।